दोस्तों फिर से वेलकम हो गया। मैं चार पता लेजी बाइकर और साउंड लोगों को इशू आ रहा था कि साउंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था मेरे हेलमेट पे, कि तो उसका माइक्रोफोन था वो मैंने सामने लगाया था तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा था साउंड का, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके साइड में लगाया है, देखते हैं इसका साउंड कैसा आ रहा है और फीडबैक क्या है। तो आज हम लोग कैसे इवनिंग को निकले थे घूमने के लिए, मैं सोचा चलो इस कैमरे का था इवनिंग का कैसा शूट होता है, कैसा क्वालिटी आता है वो भी चेकअप हो जाएगा, और साथ में थोड़ा आप लोग को कुछ कुछ लोकेशन इवनिंग टाइम पे जो अच्छा अच्छा लोकेशन है हम लोग के यहाँ पर जो घूमने लायक है वो भी आपको दिख जाएगा। तो दो तीन काम एक साथ हो रहे थे, मैं सोचा चलो दिखाई देते आप लोग को और इसी बहन को लाइव टेस्टिंग भी हो जाएगा कि माइक्रोफोन कैसे काम कर रहा है। इवनिंग पर ये टाइम पर ना बाइक राइड का मजा ही कुछ और है, अलग तरह का फील आता है, आप मस्ती से जाओ गाड़ी धीरे धीरे चलाओ एकदम प्यार से आवाज़ का मजा लो, क्योंकि दिन भर तो भाई धूप है इतना ज़्यादा गर्मी का टाइम भी है और इवनिंग पे थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील आता है, एकदम धीरे धीरे बाइक चलाओ आस्ते आस्ते जाओ मस्त मज़ा आता है, तो राइड का मज़ा आता है। छोटा बच्चा रास्ता पर खेल रहा है बॉल आ गया बच्चा का, अभी तो फिलहाल इसी राइड पर निकला है, साइड पर हम घूमेंगे अगर एक दो लोकेशन जो भी है घर के सामने ही, ताकि और एक बात थोड़ा सा काम भी है तो इसलिए इधर भी घूम रहे चिकन के साइड पर ही। लेकिन और मेरा एक ट्यूबल वीडियो है आसनसोल वाला, वो मुझे पर थोड़ा सा दिक्कत रहा क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा उसका ख़राब है, मैंने नॉइस चेक किया बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था, उस पर थोड़ा काम चल रहा है इधर से टाइम लग रहा है वो वीडियो पर, इसलिए मैं ये वीडियो के बाद ये वीडियो दूँगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आसनसोल पार्क डैम के साइड पर जहाँ पर आपका हम लोग का दुर्गा पूजा के टाइम में मूर्ति विसर्जन और ये सब होता है, तो जगह तो मस्त है शाम के टाइम बैठने के लिए मस्त प्लेस है, मैंने पहले ही साथ दिखा है वीडियो पे, वैसे मैं दो तीन बार बाइक लेकर गया भी हूँ वीडियो के इस पर। फिलहाल तो इवनिंग के टाइम पे आज को हिस्सा आया, तो अभी देखो ये पानी पर ना वो बेस उठ चुका है क्योंकि मेंटेनेंस का काम बंद है, जैसे कुछ दिन बाद ही चालू हो जाएगा, तो ये नज़ारा देखो फिर। तो सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि दोस्तों ये वाला भी जो सेलिब्रेशन थे जब जो टाइम है और जो लाइटिंग है इस पर ये कैमरा कैसा फीडबैक देता है ना, तो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल जाएगा कि हाँ अच्छा शाम के टाइम में ये कैसा क्वालिटी देगा, क्योंकि सुबह का क्वालिटी देगा मोबाइल अच्छा ही है, इस प्राइस रेंज पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा क्वालिटी होगा, तो अच्छा क्वालिटी आया है वीडियो पर, इवनिंग पर नाइट पर कैसा आएगा वो नहीं पता, इवनिंग और नाइट का ही देखना है। यहाँ से गाड़ी को घुमा लेते हैं, फिलहाल जितना गड्ढा उड्ढा था मैंने तो देख ही लिया, तो गड्ढा भी चला, देखते हैं ये लोकेशन कैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर आपका शाम के टाइम में इस पे आके ऐसे बैठते हैं, उस पर छत था, छत को गायब कर दिया गया, नहीं पता कहाँ चल गया वो उसका छत, आखिर मैं देखा कि छत ही नहीं है। चलो ये रोड तो बड़ा खाली रहता है बहुत ऐसे रोड पर टाइम, धीरे धीरे रात हो रही है, मैंने अगर लाइट तो जलाया नहीं है, स्ट्रीट लाइट आ चुकी है, तो इधर पे मेरे को नहीं लगता कि रात में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट है रोड पे ना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी पता चल जाएगा कि हाँ अगर लो लाइट भी रहे तो लो लाइट पर भी कैसा आएगा ये पता चल जाएगा। सारे भी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चाहेंगे, सपोर्ट करना और कमेंट के जरिए बताना कि मुझे क्या क्या चीज़ और इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू, बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो मेरी जान पहचानी है, उन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके भी बोला कि
भाई आपका ये चीज को दिक्कत कर रहा है, आप ये चीज को रेक्टिफाई करो। थैंक यू सो मच रिजल्ट देने के लिए, वीडियो के अच्छा रिस्पॉन्स के लिए। आप देख रहे हो वीडियो, इसको रिस्पॉन्स कर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। दिल से थैंक यू इंडिया, तुम मजे तो जिंदगी मजे तो जिंदगी सही में अच्छा लगता है। छोटे ही सही थे ना, इतने बड़े हो रहे ना, इतना लग रहा है कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। बहुत सा बात तो होने वाला है और लाइफ जो नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि क्या आ रहा था, कैसा आ रहा है। मैं भी हेलमेट का यूज ही लेना भाई, इस पर लाइट पड़ती है सामने से कोई भी गाड़ी की, इतना ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करता है ना, सीधा आँख पे ही लगता है। तो ये गुंडागे भी मेरे को चेंज करना होगा। मैं तो सोच रहा कि मैं हेलमेट को पहले, क्योंकि एक सबसे अच्छा गुंडागर से अच्छा हुआ कि मैं हेलमेट ही चेंज कर लूँ, क्योंकि तब सब कुछ चेंज हो जाएगा और मेरा जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। बता रात का ये सब सीन देखो, बहुत बड़ा परेशान में आएगा, अच्छा लगा। तो ये आपका हो गया, जो लोकेशन है हॉस्पिटल डैम। शाम के टाइम में यहाँ भी अच्छी गैदरिंग रहती है, यहाँ भी सबके आके बैठते हैं, देखो भीड़ को अच्छा दिख रहा है आप लोग को। सबका भी जितना सा डैम पे सबका व्यवस्था ऐसा ही होगा। देखो ऊपर पूरा पेड़ बना हुआ, क्योंकि सब मेंटेनेंस होता है, टाइम रहता है, उस टाइम पे मेंटेनेंस होता है। फिलहाल टाइमिंग हुआ नहीं मेंटेनेंस का, शुरू हो नहीं रहा होगा। इसको ना पानी के सामने आती है, मतलब गर्मी गर्मी वाला फीलिंग आता नहीं पता क्यों। और जितने सारे वीडियोज़ को आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो या फिर मैं नहीं बोलूँगा फॉलो करो, क्योंकि फॉलो मतलब एक अलग चीज़ हो गया। मैं चाहता आप लोग सब मेरे फैमिली जैसे हो, तो फैमिली में बना रहा हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, मतलब मेरे जो फेसबुक आईडी है ना, पेज फेसबुक आईडी पे आप लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर सेंड करना, मैं जरूर एक्सेप्ट करूँगा, आपसे बात भी करूँगा। तो मेरा ओडी आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज देव हल्दार नाम है मेरा, DEVHALDAR। तो आप लोग उसको आपको सर्च करके भी मुझे देख सकते हो, मेरी फ़ोटो दिया हुआ है, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप लोग मुझे वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजना, जरूर बात करेंगे आप लोग सबसे। इंस्टाइड भी मैं उसको दे देता हूँ, मैंने कोई पेज ऐसा कुछ खास बनाया नहीं है, ये चाय के नाम पर पेज ऐसा कुछ नहीं है भाई, साथ में ही है नॉर्मल बंदा, साथ ही रहना सबके, तो उसी मेंटेलिटी के साथ सबके साथ रहना है, एक फैमिली बनाना है। आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पर आप लोग ऐड होना चाहते हो, सॉरी मैं लड़खड़ा रहा हूँ बोलते बोलते, अगर लोग ऐड होना चाहते हो तो भाई जरूर रिक्वेस्ट सेंड करना, मैं जरूर एक्सेप्ट करूँगा और जरूर आपसे बात भी करूँगा। अगर कोलैबोरेट करना चाहते हो तो जरूर मुझे डीएम करना, मैं जरूर करूँगा आपके साथ कोलैबोरेट। साथ में वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, जाएंगे साथ में सबको मुझे तुम घूमने। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि भाई की शादी हो जाए, उसके बाद चलना है मेरे को धनबाद की ओर, या फिर आसन से दुर्गापुर साइड पर कहीं अच्छा कोई प्लेस पर घूमने वाला प्लेस पर, देखने अच्छा अच्छा प्लेस उधर जाएंगे। तो देखते हैं क्या प्लान में क्या कितना हो सकता है, कितना दूर प्लान एग्जीक्यूट होता है। फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, हम लोग अब सीधा जाते हैं घर पे, घर के निकलेंगे और घर पे जाते सीधा नेक्स्ट वीडियो, अब ये वीडियो पे काम और नेक्स्ट वीडियो पे काम सब करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक लिए बाय, टेक केयर। रात हो चुका है, तो रात के बाद क्या है, मैं घर ही जा रहा था और मैं सोचा कि चलो आप लोग को फिर दिखा देता हूँ घर, घर जाने के बाद अगर पूरा लाइट हो जाता है तो उसके बाद अगर वो लाइट रहता तो उस पर वैसा क्वालिटी आएगा। तो वो देखने के लिए भी मैं भी सोचा कि चलो वो भी आपको आपको भी दिखा देता है, मैं भी देख लेता हूँ, ताकि कैमरा का ये ना फुल रिव्यू हो जाए कि नाइट में भी कैसा आता है, इवनिंग टाइम में कैसा आता है, सुबह का रात में देख ही चुका है। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा घर की ओर, अभी लो लाइट ही है, कहीं कहीं देखो लाइट है तो वहाँ पर क्वालिटी थोड़ा अलग आएगा, जहाँ पर ये नहीं है वो अलग आएगा। और स्काई का देख रहे भाई मस्त लग रहा है, कलर मस्त एकदम भयानक वाला कलर लग रहा है, मेरे को मुझे अच्छा लग रहा है भाई, पर्पल पर्पल टाइप का फीलिंग आ रहा है, पूरा अलग ही फीलिंग आ रहा है। और ऊपर से रेड लाइट स्ट्रीट लाइट जगह सामने गाड़ी उसका लाइट अलग, तो वीडियो का आई थिंक बेटर लगेगा देखने को, निकल मिलकर जाते ही पता चलेगा, मैं अगर देखूँगा वीडियो को तब मुझे पता चलेगा कैसा है। फिलहाल वो चल रहे घर की है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक मुझे टाटा घूमना देखते हैं, लगी वाल जय हिंद, वंदे मातरम, क्या करते हैं।